आप सब दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। दोस्तों, मेरी इससे पहले की वीडियो एसटीएमएस से रिलेटेड थी। अगर आपको उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक वेब डिजाइनिंग और डायनामिक वेब डिजाइनिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए मैं निधि बंसल आज आपको बताऊंगी कि डायनामिक वेब डिजाइनिंग और स्टैटिक वेब डिजाइनिंग होती क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। आपके हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं वेबसाइट होती क्या है। भले ही आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम दिन ब दिन किसी न किसी रूप में वेबसाइट को यूज करते जा रहे हैं। पर लेकिन उन्हें किसी भी तरह की जानकारी चाहिए होती है तो वो गूगल का सहारा लेते हैं, या वीडियोस देखना होता है तो यूट्यूब का सहारा लेते हैं। ये सारे अलग अलग तरह की वेबसाइट्स हैं। हम हर दिन अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर कोई ना कोई वेबसाइट का यूज करते ही रहते हैं। आपको सिंपल और इजी वे में बताती हूँ वेबसाइट है क्या। वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है। एक वेबसाइट के कई सारे वेब पेजेस होते हैं जो हर एक पेज से अलग अलग तरीके के नॉलेज देते हैं। वेब पेज दरअसल एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, जिस पर हम टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस जैसे बहुत तरीके की चीजें देख सकते हैं। यह सभी पेज वेब सर्वर पर अवेलेबल होते हैं। हर वेबसाइट का एक यूनिक वेब एड्रेस होता है, जिसे यूआरएल कहा जाता है। उसी यूआरएल यानी एड्रेस के जरिए हम किसी भी वेबसाइट पर आसानी से विजिट कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसे ब्राउजर कहते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्टैटिक वेब डिजाइनिंग के बारे में। स्टैटिक वेब डिजाइन को सिंपल HTML की कोडिंग करके बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है। अगर हम आपसे पैसे की बात करें तो बहुत सस्ते में बन जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का डाटा या बेसिक कंटेंट नहीं होता है। इसकी कंटेंट स्टैटिक होती है, यानी यह अपने आप में अपडेट नहीं होता है। जब तक आप इसके कोड को चेंज नहीं करेंगे, तब तक इसके कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं आ सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। ज्यादातर कॉलेज या स्कूल्स में वेबसाइट जो होती हैं वो स्टैटिक होती हैं, लेकिन कुछ भेजते समय डायनेमिक हो जाती हैं, जैसे एडमिशंस फॉर्म, कंटेंट फॉर्म, इन सबको भेजते हैं तो ये डायनेमिक बन जाती हैं। अब बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट के बारे में। इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत कॉस्टली भी होती है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं। ये PHP, ASP, .NET, JavaScript का यूज करके बनाया जाता है। डायनामिक वेबसाइट को डाटाबेस से कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें हर कंटेंट के लिए कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती। कंटेंट डाटाबेस में स्टोर रहता है और वहीं से निकालकर यूजर को दिखाया जाता है। एडमिन के लिए एक अलग तरह का इंटरफेस बनाया जाता है, जहां से साइट को आसानी से बिना कोड लिखे अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हो गई, सर्च इंजन जैसे वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट्स में ही आती हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंसेस होता है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो, स्टैटिक साइट्स बनाने में इजी होती है, लेकिन डायनेमिक साइट्स फंक्शनल होती है, इसे थोड़ी आसान नहीं कही जा सकती है। स्टैटिक साइट्स को अपडेट करने के लिए आपको वेब डेवलपर की जरूरत पड़ती है, लेकिन डायनेमिक साइट्स को अपडेट करना बहुत इजी होता है। स्टैटिक वेबसाइट्स होस्ट करने में चीप होती है, क्योंकि डाटाबेस बहुत जरूरी होता है। डायनामिक वेबसाइट्स में तो ऐसी वेबसाइट को होस्ट करना थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। स्टैटिक में इंफॉर्मेशन स्टैटिक होती है, जबकि वेदर वेबसाइट की तरह डायनामिक वेबसाइट में इंफॉर्मेशन बदलती रहती है। स्टैटिक वेबसाइट में लोग बार बार जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो चेंजेस नहीं होती है, जबकि डायनामिक वेबसाइट में चेंजेस आते रहते हैं जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वेबसाइट कितने टाइप की होती है। इंटरनेट पर कई तरह की वेबसाइट मौजूद होती है। हम अपनी जरूरत के हिसाब से वेबसाइट पर विजिट करते हैं। अब मैं यहाँ आपको वेबसाइट की कैटेगरी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगी। तो वेबसाइट कितने टाइप की होती है। न्यूज मैगजीन की वेबसाइट जैसे आज तक हो गया, सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, ई कॉमर्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लॉग के लिए ब्लॉगर, वेब पोर्टल के लिए वर्डप्रेस, स्ट्रीमिंग गेम, जॉब बोर्ड, डायरेक्टरी, फोटोग्राफी, स्कूल कॉलेज साइट्स, गवर्नमेंट साइट्स, ओपन वेबसाइट्स, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आपको ऐसा किसी भी तरह की वेबसाइट डेवलप करवानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। राइटर सॉल्यूशन किसी भी तरह की वेब डिजाइन में एक्सपर्ट है। अगर आपको HTML वेब डिजाइनिंग, स्टैटिक वेब डिजाइनिंग, डायनेमिक वेब डिजाइनिंग, किसी भी तरीके की वेब डिजाइनिंग करवानी है तो देर किस बात की फ्रेंड्स, कीजिए हमें कॉन्टेक्ट। लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जाते जाते दो लाइन कहना चाहती हूँ। बड़ा आदमी वह है जो आपके पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। याद रखिएगा, जहां बात आती है रिजोल्यूशन और रिवॉल्यूशन की, वही नाम आता है ट्राइटन सॉल्यूशंस का।